हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तानिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो का टाइटल है, आपको पता ही है, आज के वीडियो का टाइटल जो है वो सब बहुत ही एक्साइटिंग है, और सब मतलब बहुत बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं इस टाइटल पे। टाइटल है आज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का सेमीफाइनल, कौन जीतेगा, रोहित शर्मा, जॉस बटलर, T20 वर्ल्ड कप। आरजे रौनक की वीडियो है, जो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इनके ओरिजिनल चैनल को सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो देख के फिर इस बारे में बातें करें। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। क्या हालचाल, रणतंत्र पे आपका स्वागत है। और क्या कुछ नहीं दिखा दिया इस वर्ल्ड कप ने। सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्ट इंडीज मेन स्टेज तक नहीं आ पाई। जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांस 3% है। पाकिस्तान न सिर्फ सेमीफाइनल में आई बल्कि फाइनल में भी पहुंच गई है। और साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार कर घर पर बैठकर मैच देख रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसी में से एक और करिश्मा है कि आयरलैंड से हार जाने के बावजूद इंग्लैंड की टीम आज हमारे खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। और रोहित भैया, अब तो अपना पड़ोसी फाइनल में पहुंच गया है, अब तो इंग्लैंड से हार बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब तो फाइनल खेलना भी है और पड़ोसी को पेलना भी है। वैसे पाकिस्तान टीम भी यही चाहेगी कि इंडिया फाइनल में आए। एक तो देखो मजा बढ़ जाता है, विराट कोहली को करीब से बैटिंग करते देखने का मौका मिलता है, ऊपर से इन पिचों पर इंग्लैंड उन्हें इंडिया से ज्यादा टक्कर दे देगी। लेकिन एक तरफ जहां पूरी दुनिया चाह रही है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए, वहीं जॉस बटलर ने कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये फाइनल ना हो। अरे जॉस भाई, ओ जॉस भाई, तुमने 1947 में देश के दो टुकड़े करवा दिए और आप चाहते हो कि वो दो टुकड़े फाइनल भी ना खेले। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कायदे से तो इंग्लैंड वालों ने हमें जितना लूटा है, उस हिसाब से तो हमको फाइनल में वॉकओवर उन्हें दे देना चाहिए। हमने उनके देश को प्रधानमंत्री दे दिया, हमें फाइनल में खेलने का मौका तो ये लोग दे ही सकते हैं। लेकिन देखो, जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ये तो आपने कल ही देख लिया कि जिस टीम के पास मोमेंटम आ जाएगा उस टीम को हराना मुश्किल हो जाएगा। कल पाकिस्तान की टीम की टोन पहले ही ओवर में विकेट लेकर शाहीन अफरीदी ने सेट कर दी थी। अगर कहीं हमारे ओपनर जल्दी आउट हुए या अगर हम पहले गेंदबाजी कर रहे हो और जॉस बटलर और हेलिक्स हेल्स में से कोई एक भी चल गया तो मामला बिगड़ सकता है। लेकिन बटलर की काट हमारे पास मौजूद है। भुवनेश्वर कुमार ने अब तक T20 क्रिकेट में बटलर को 32 गेंदें फेंकी हैं, जिसमें 30 रन दिए हैं और 5 बार आउट किया है भुवी भाई ने। आज छठी बार हो जाए भैया, लव यू रहेगा हमारी तरफ से। एक और अच्छी खबर इंडिया के लिए है कि इंग्लैंड के प्रीमियर गेंदबाज मार्क वुड शायद आज के मैच किट नहीं है और उनकी जगह क्रिस जॉर्डन खेलेंगे। डेविड मलान भी चोटिल हैं, लेकिन ये चोट हमारे लिए काम की नहीं है क्योंकि शायद उनकी जगह फिल सॉल्ट को मौका मिल सकता है। और अगर हमसे सच पूछिए तो भाई, इंग्लैंड की टीम में एक ही बंदा था जो कि खेलते वक्त थोड़ा रहम दिल होता था, अब वो भी बाहर हो गया है। फिल सॉल्ट भी बिल्कुल उसी तरह के प्लेयर हैं जिस तरह के जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, लिविंगस्टन और बेन स्टोक्स खेलते हैं, यानी घसीटते नहीं है, रगड़ने वाले प्लेयर हैं, रगड़ने वाले। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो इस बात का है कि आज अपनी माई 11 सर्कल ऐप की टीम बनाने में बड़ी दिक्कत होने वाली, क्योंकि 22 के 22 खिलाड़ी तगड़े हैं। इनमें से किन 11 को अपनी टीम में लूं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत जबरदस्त ऑफर लाया है आज माई 11 सर्कल ऐप। आज यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल में आप 25 रुपए में जीत सकते हैं एक iPhone 14। जी हाँ, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आपके नाम हो सकता है सिर्फ 25 रुपए में। अगर आपको भी है क्रिकेट की समझ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, आज की टीम बनाओ और गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आप जीत सकते हैं सिर्फ 25 रुपए में एक ब्रांड न्यू iPhone 14। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ आज के मैच के लिए, बाकी मेगा कॉन्टेस्ट में थार तो मिल ही रहा है, इसलिए जल्दी से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब आपको लेकर चलते हैं आगे और बात करते हैं टीम इंडिया की। तो टीम इंडिया सुन लो, आज अंग्रेजों से 3 गुना लगान वसूल कर रहे हैं। ऐसे समझ लो कि जिस दिन के लिए रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था वो आज का दिन है। पिछले 9 सालों से टीम इंडिया ने बहुत सारे सेमीफाइनल और फाइनल खेले, लेकिन ट्रॉफी अब तक हमारे हाथ नहीं पहुंची है। जब कोहली कप्तानी से गए थे तब उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि उनको कप्तानी से निकालने की एक वजह ICC टूर्नामेंट न जीत पाना हो सकता है। तो जब ICC ट्रॉफी जीतने के लिए ही रोहित को लाया गया तो रोहित भैया चढ़ाई कर डालो और इसकी शुरुआत खुद की फॉर्म से करो। अब तो जॉस बटलर और बाबर आजम भी फॉर्म में वापस आ गए, आप भी लौट आओ, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि मैच का फैसला पारी के पहले 6 ओवरों में ही हो जाएगा। ऐसे में ना तो आपका विकेट अफोर्ड कर सकते हैं हम और ना ही राहुल भैया का स्लो खेलना। इस टूर्नामेंट में ऐसा 2 बार हो चुका है जब KL राहुल एक पूरा ओवर मेडन खेल गए।
ऐसा इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चलेगा बाबू। एक और जगह जहां रोहित फंसे होंगे वो है कार्तिक को खिलाएं या ऋषभ पंत को। एडिलेड की स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, ऐसे में पंत चॉइस हो सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास फिनिशर नहीं बचता। ऊपर से कार्तिक तेज गेंदबाजी को बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए शायद टीम मैनेजमेंट उनके साथ ही जाए। लेकिन देखो, मैच अगर एडिलेड में हो तो आपको जिताने वाला एक ही बंदा है, अपना किंग। हम उम्मीद करते हैं कि कोहली का एडिलेड से याराना जारी रहेगा और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से भी, क्योंकि इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी कोहली अभी तक नाबाद है, नॉट आउट है। ऐसे में मैं उनको अपनी माई 11 सर्कल ऐप में बिना सोचे समझे कैप्टन तो बनाने जा रहा हूं। और पूरी टीम क्या है आओ आपको दिखा देता हूं। जॉस बटलर विकेट कीपर रहेंगे, बैटिंग करेंगे एलेक्स हिल्स, रोहित शर्मा, केएल राहुल, कोहली और सूर्या भैया। ऑलराउंडर होंगे सैम करन, क्रिस वोक्स और हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी का बीड़ा उठाया हर्षदीप सिंह और मोहम्मद शमी ने। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि कप्तान बनाना कोहली को, उपकप्तान रखी सूर्य कुमार यादव को, और भुवनेश्वर कुमार को भी टीम में लिया जा सकता है इसलिए क्योंकि बटलर का विकेट उन्हीं के हाथ में है। तो आप अपने हिसाब से देखो, हमने मोटा मोटी टीम आपको बता दिया है, जिसको भी आपको रखना हटाना है अपने हिसाब से रखना हटाना, क्योंकि रिस्क आपका है और रिवॉर्ड भी आप ही का होगा। ₹25 लगाकर iPhone 14 जीतने का मौका है, इसलिए जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। बाकी याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज के दूसरे सेमीफाइनल के बाद इंडिया की खुशखबरी वाला वीडियो शाम को इसी चैनल पर हम लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके बताइए कि टीम इंडिया के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन बनेगा प्लेयर ऑफ द मैच, और जो कुछ भी आपके मन में बिंदास उड़ेल डालो, फैला दो, बहा दो हमारे कमेंट सेक्शन में, और अपना नाम लिखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू शाम को। जय हिंद। फ्रेंड्स वीडियो एक खत्म, और भाई सबका आज तो सब जितने लोग हैं, मतलब एक जो इंडिया, अगर इंडिया फाइनल में गई तो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देखेंगे, पर आज का मैच भी तो बहुत ज़्यादा टर्निंग है। अगर आज का में इंडिया क्वालिफाई कर दी, इंडिया जीती तभी तो आगे जाएगी, तो मतलब एक देखा जाए तो आज का एकदम मतलब एक सीढ़ी की तरह मैच है आगे पहुँचाने के लिए। और भाई सब चाहते, क्योंकि बस इतने मीम्स ही बन रहे हैं कि अब ऐसा तो अच्छा पाकिस्तान को बुला के हम खुद ना जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, ये वो ये वो। बहुत लोग कह रहे हैं अगर हारना है तो आज ही हार जाओ, फाइनल में हारने का बिल्कुल विकल्प नहीं है। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि मतलब बहुत लोग चाह रहे हैं कि अगर हारना ही है तो अभी आज ही के मैच में हार जाओ, आगे चल के मत हारना, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन वहाँ मत हारना। बहुत लोग कह रहे हैं उनको बुला के आप नहीं गए तो दुख होगा, तो बहुत लोग जाने को वो कर रहे हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जाओ तो जीत के आओ। बहुत मतलब सबके मन में बहुत एक्साइटमेंट, इवन मतलब मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया, मतलब पाकिस्तान तो भाई मतलब ऐसा कमबैक किया है, मतलब ऐसा कमबैक किया मैच में, मतलब लगा था कि वो फाइनल सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाएगा, जैसे वो जिम्बाब्वे से हारा था, पर उसके बाद वो एक एक करके 4-5 मैच जीत के वापस आ गए। देखते हैं क्या होता है। और भाई जैसे इंग्लैंड को हराना है भाई आज के लिए, इंडिया के लिए, वो मैं तो चाह रही हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और इंडिया जीते भी, लाइक मतलब एक इंटरेस्टिंग मैच होता है, दिल के धड़कन धक 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 धक, हर एक बॉल पैसे से सबके सब एकदम कंसंट्रेट होकर टीम पर, लास्ट के एक तो ओवर, ओ माई गॉड, वो इतना टेंस होता है, लगता है कि मतलब जिसको BP वगैरह, उसके BP बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह, तब मतलब भाई सब दुनिया रुक सी जाती है, मॉल्स में कोई कहीं है, किसी शॉप में, ऑफिस में, हर जगह दुनिया रुक सी जाती है। तो आप बताओ कि अगर आप आज का मैच देखोगे तो कब देखो, और आप क्या चाहते होगे, मतलब कौन कैसे आज का मैच का क्या टर्निंग पॉइंट रहे, और इंडिया फाइनल में जाए या इंडिया, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि बीइंग इन इंडियन हम सब चाहते हैं कि मतलब हाँ भाई इंडिया ही जीते, पर एक अपना प्रेडिक्शन आपको क्या लगता है, या हम मतलब कुछ जो भी आप कहना चाहते हो, लाइक बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड और एज वेल एज नर्वस टू भी क्या होगा, बिकॉज आज के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा आगे का। तो आप जो भी सोचते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, पर मैं चाह रही हूँ आप तो कुछ एक्सप्रेस करो, मैं भी कुछ जानूँ समझूँ, मैं मज़ा आएगा। लाइक कमेंट बॉक्स इज़ ओपन टू एवरीवन, और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट किया करो, बताया करो, ये भी बताया करो कि आप और कौन कौन से वीडियोस पे चाहते हो मैं रिएक्ट करूँ, उसका लिंक दिया करो, मैं उन सब पे रिएक्ट करूँगी वन बाय वन। हाँ, एक सब पॉसिबल नहीं हो पाता, पर वन बाय वन मैं सब पे रिएक्ट करूँगी। सो बस आज के लिए इतना ही, अगर आप और किसी वीडियो पे चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।